टांडाबरूर थाना क्षेत्र में बिस्टान थाना क्षेत्र से होंडा सिटी कार से सिगांव की ओर ले जाई जा रही अवैध अंग्रेजी शराब की सूचना मुखबिर द्वारा थाने पर दी गई, जिसके चलते थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह लववंशी द्वारा कोठा बुजुर्ग में चेकिंग पॉइंट लगाया गया था। पुलिस को देखते ही आरोपी कार ड्राइवर ने देवली की ओर अपनी कार दौड़ाई। पुलिस ने पीछा किया तो आरोपी कार ड्राइवर ने भसनेर से बरूड़ की ओर आ रहे ग्रामीण जगदीश जायसवाल को सामने से टक्कर मार दी और कार ड्राइवर कार को ही वहीं छोड़कर भाग गया। दुर्घटना में जगदीश जायसवाल को चोटें आई और मोटरसाइकिल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। तभी पीछा कर रही पुलिस पहुंची और कार को चेक किया तो उक्त कार से 23 पेटी अंग्रेजी शराब मिली। थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह लववंशी द्वारा बताया गया कि कार में मिले कागजात के अनुसार कार लेहको निवासी रवि जायसवाल की है। अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आरोपी कार चालक की तलाश की जा रही है। जब्त की गई शराब की कुल कीमत 1,15,000 रुपए है। बरूड से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। सर, ये अवैध शराब का परिवहन जब्त किया, इस संबंध क्या कहना सर आपका? आज हम लोग कोटा बुजुर्ग तरफ देहात भ्रमण पे थे तो मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि बिस्टान तरफ से एक होंडा सिटी कार अभी शराब लेकर उसका चालक जा रहा है। तो हम लोगों ने नाकाबंदी की, जैसे हम लोगों को पुलिस को देखा कार चालक ने, कार चालक देवली तरफ कार को लेकर भागा। हम लोगों ने मोटरसाइकिल से पीछा किया, मोटरसाइकिल से पीछा करने पर ये देवली के बाहर बसने रोड पर कार छोड़कर कार चालक भाग गया और उसकी जब कार की तलाशी ली गई तो उसमें 23 पेटी बॉम्बे बिस्की शराब की भरी पाई गई और जगदीश जायसवाल देवली तरफ से आ रहा था उसको भी उसने टक्कर मार के भाग गया था। आरोपी की मतलब आरोपी भाग गया है। गाड़ी के अंदर जब पेपर देखे गए तो वो धर्मपुरी की पाई गई है, जिसमें रवि जायसवाल करके लहकू का है, उसके नाम पे स्टाम्प लिखा हुआ है। आरोपी की तलाश की जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।